कार्रवाई की है। पुलिस ने कोचिंग संचालक समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्र पर 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जौनपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है। परीक्षा पास कराने वाले 5 ठग को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से 6 से 8 लाख रुपए लेनदेन की बात सामने आई है। दलालों के पास से पुलिस से 4 प्रवेश पत्र, 6 मोबाइल, 2 चेकबुक, 1 क्रॉस चेक और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। बातचीत करने के लिए मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या निकलकर इस पूरी घटना में सामने आ रहा है? देखिए, जैसे ही आज परीक्षा का शुरुआत जौनपुर में हुआ है, कुल जौनपुर में अगर बात करें तो 52 परीक्षा केंद्रों पर आज पुलिस भर्ती परीक्षा कराई जानी है, जिसकी परीक्षा सेकंड पाली की चल रही है। इस बीच जो है एसपी अजयपाल शर्मा के नेतृत्व में लगातार जो है पुलिस की सभी कॉम्बिंग चल रही थी, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही थी जौनपुर की और क्राइम साइबर सेल टीम रख रही थी। इस बीच पुलिस को मुखबिर की सूचना में मिली कि परीक्षा केंद्र के बाहर जो है नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ दलाल हैं जो कि परीक्षा पास कराने के नाम पर लेन देन की बात कर रहे हैं। वो भी मोटी रकम में लेन देन की बात सामने आई है, वो भी 6 से 8 लाख रुपए तक की लेन देन की बात आई। पुलिस की टीम पहुंचती है वहां से। इनका नेटवर्क कहाँ कहाँ तक फैला हुआ और किस तरीके से पुलिस इन तक पहुंची है? देखिए, जो पुलिस की प्राइमरी पूछताछ में निकल के सामने ये आया है कि जो जितने भी दलाल ये पकड़े गए हैं, जितने ठग ये पकड़े गए हैं परीक्षा पास कराने के नाम पर, ये सभी जौनपुर के अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं, जिसमें से मेन जो सरगना है वो जौनपुर के जो है सिंगरा मऊ इलाके के रहने वाला है, जो कि फरार चल रहा है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश के लिए लगातार दबिश दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमीरपुर में बाइक सवार भाई बहन को डंपर ने मारी जोरदार टक्कर। टक्कर लगने से घटनास्थल पर छात्रा की मौत हुई है। बाइक के साथ बाइक से पुलिस परीक्षा देने जा रही थी छात्रा। घटना के बाद चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। मौदहा कोतवाली कस्बे का यह पूरा मामला है। खबर नोएडा से है, जहां पर नॉलेज पार्क पुलिस ने गैंगस्टर रवि काना पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रवि काना की पत्नी को गिरफ्तार किया है। मधुनागर गैंगस्टर एक्ट में लंबे समय से फरार थी। मधुनागर को दिल्ली से देहरादून जाते समय गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। आजमगढ़ में 2 फरवरी को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चोरी का प्लान बनाते समय तीनों के बीच में विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों आरोपियों ने जनरायन को मौत के घाट उतार दिया और बचने के लिए जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। अतरौलिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जिस पे आज हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की गई तो पाया गया कि इन लोग आपस में तार चोरी का एक ये बना रहे थे घटना। उसमें इन लोगों ने उस दिन रात में नशा भी किया था और फिर तार चोरी की ये घटना कारित करने वाले थे, जिसमें इनका विवाद हुआ नशे की हालत में और इसी में उन्होंने गुस्से में आके इनको घोट के मार दिया, पानी में डुबा के मार दिया और उसके बाद उसकी शिनाख्त ना हो पाए शव की, इसलिए उसको जला के वहीं से छोड़ गए। ये पूरी घटना थी। इसमें हम दोनों की गिरफ्तारी की गई है और इनको नियमानुसार रिमांड लेकर जेल भेजा जा रहा है। शामली में 14 फरवरी को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मोबाइल विवाद में दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले दोनों ने साथ में शराब पी थी, जिसके आरोपी ने दोस्त को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। बाबरी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का यह पूरा मामला है। इस घटना का अनावरण करते हुए उसमें अभियुक्त मनित को गिरफ्तार किया गया है तथा जिस चाकू से हत्या की गई थी वह आला कत्ल भी बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान यह बात संज्ञान में आई कि लगभग 2 माह पूर्व मनित ने मृतक
से एक मोबाइल फ़ोन लिया था, जो वापस न करने के कारण मृतक के परिजनों ने उसके घर पर शिकायत की थी। इस बात से वह क्षुब्ध था। 14 फरवरी को वह मृतक को जंगल में जो है ले गया, वहाँ पर दोनों शराब पी रहे थे। उस दौरान दोनों के बीच गाली गलौज हुई और यह पूर्व में जो इनके बीच इस बात को लेकर जो अभियुक्त क्षुब्ध था, इस वजह से उसने जो है आक्रोश में वहाँ पर उसे चाकू से जो है उस पर हमला किया, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा आला कत्ल बरामद है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर से रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। नशे में धुत बेटे ने अपने पिता की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की अपनी पत्नी से विवाद हो रहा था। इस दौरान पिता ने बेटे को समझाने की कोशिश की, इससे नाराज बेटे ने पति की हत्या कर दी। टांडा कोतवाली क्षेत्र के पूरा विश्राम गांव का यह मामला है। कानपुर में राज्य मंत्री के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। आरोपी पर खुद को राज्य मंत्री का भतीजा बताकर 51 लाख की ठगी करने का आरोप लगाया। पीड़ित कारोबारी ने पत्र लिखकर मंत्री से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं और 19 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। फतेहपुर में प्रॉपर्टी विवाद में रिश्तों का कत्ल का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में पत्नी ने बेटों के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी और दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आपसी मतभेद के चलते पति पत्नी अलग रहे थे और इसी दरमियान पति ने अपना मकान बेच दिया था। इससे नाराज पत्नी ने बेटों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। सूचना दी गई कि ग्राम रोशनपुर क्षेत्रांतर्गत हरिश्चंद जो राजकुमार नामक व्यक्ति के पिता हैं, इनकी खेत पर हत्या कर दी गई और इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना की प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन प्रारंभ की गई। अज्ञात में यह अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा घटना की गहराई से जब छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि मृतक के दो पुत्र जो गुजरात में रहते हैं, वो उक्त घटना को कारित करने के लिए गुजरात से चलकर घटनास्थल तक आए और उनके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के षड्यंत्र में शामिल मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल को बरामद कर घटना के समय अभियुक्त गणों द्वारा पहने हुए उनके वस्त्र इत्यादि को भी बरामद किया गया है। मृतक के मोबाइल फोन को भी अभियुक्त गणों के कब्जे से बरामद किया गया है। इस प्रकार से पुलिस के द्वारा हमारी इंटेलिजेंस में बरेली में आंवला थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 8 छात्रों को पकड़ा है। पुलिस ने 16 बाइक बरामद की है। ये गैंग लंबे समय से बाइक चोरी कर रहा था। ये गैंग बाइक के चेसिस नंबर और नंबर प्लेट बदलकर बेचते थे। 8 चोरों में 6 बाइक चोर बदायूं के कुंवर गांव थाना क्षेत्र के और 2 बरेली के रहने वाले हैं। आंवला थाना क्षेत्र के देवी रोड पुल के पास गिरफ्तारी की गई है। हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश का दूसरा साथी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार बदमाश पर 9 फरवरी को दिनदहाड़े महिला से चेन लूटने की कोशिश का आरोप है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिस पर पुलिस कार्रवाई की है। कोतवाली सदर क्षेत्र के नहरोई का यह पूरा मामला है। तो पुलिस और बदमाशों में यहां पर मुठभेड़ हुई है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। महिला से चेन लूटने की कोशिश का इस पर आरोप है।
सिद्धार्थनगर में पुलिस और चोरी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध देखे गए, जिन्हें रोकने पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। कल रात ये सूचना मिली कि चोरी में संलिप्त कुछ ऐसे लोग जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं वो पकड़ी चौराहे के पास देखे गए हैं। इस सूचना पर तत्काल उसका बाजार की टीम और एसओजी की टीम पहुंची और वहां जब उन लोगों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने फायरिंग की। हम लोग ने भी जवाबी फायरिंग इधर से की जिसमें दो बदमाश वहां पे गिरे। बस्ती में संदिग्ध हालत में एक प्रेमी जोड़े का शव ट्रैकलर ट्रैक पर मिला है। आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गौर रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना है। मिर्जापुर में चल रही हनुमंत कथा के दौरान एक बंदर अचानक आकर कथा सुनने लगा। यह नजारा